हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू शर्मा और आप देख रहे हैं JMSBooksReaders.com पे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी एक ऐसा शब्द है जिससे कि आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन। पर्सनालिटी ही आपको सक्सेस दिलाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा पहुंचते रहे। तो लेट्स बिगिन। जरूरत और सपने, यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कि क्या बात है कि कुछ लोगों को सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है जबकि कई लोगों को काफ़ी मेहनत के बाद ही नहीं मिलती। सच्चाई तो यह है कि हर कामयाब व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष गुण व योग्यता होती है, मगर उससे भी खास बात यह होती है कि एक अच्छे सपने देखने वाले होते हैं। उनके जीवन में तमाम इच्छाएं उनके सपनों से के साथ जुड़ी होती है। कोई भी चीज़ तब तक नहीं मिल पाती जब तक कि उसके बारे में एक विचार न जन्म ले, जब तक कि किसी के मन में उस चीज़ को लेकर कोई सपने ना जन्म ले। सपने भविष्य का आईना होते हैं। हर कामयाब व्यक्ति के मन में अपने जीवन के बेहतर बनाने के लिए सपने होते हैं, एक बेहतर भविष्य की उम्मीदें होती हैं। उनके मन में कुछ ना कुछ पहले से अभ्यास भी होता है और ये उस दिशा में सब कुछ करते हैं जैसे जैसे उनकी हिम्मत, उनकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है। इच्छा शक्ति किसी भी सपने को साकार होने में हौसला बढ़ाने का काम करता है। आपकी इच्छा शक्ति आपको सपने देखने को उकसाती है। फिर जैसे जैसे आपके अंदर सपने विकसित होते जाते हैं तो आपके मन में जीवन के भविष्य एवं साफ तस्वीरें उभरने शुरू हो जाती है। फिर आप इस दिशा में सोचना चालू करते हैं कि किस तरह उन सपनों को साकार किए जाए। लोगों को सपनों को हम प्रायः इनके जीवन के उद्देश्य या क्यों मानते हैं, किसी भी लक्ष्य की पाने के लिए कैसे का तो सवाल ही नहीं उठता जब तक कि आदमी के मन में एक मजबूत क्यों न हो। इसीलिए एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति तथा सपने क्यों की जरूरत होती है। लक्ष्य गोल, आपको जैसा उद्देश्य होगा आपको दिमाग में उसी तरह का खाका होगा, उसी तरह की तस्वीरें होगी। क्यों? अपने लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति के इरादे मजबूत हो और उनके मन में कुछ स्पष्ट सपने हो तथा उन्हें पाने की निश्चित तारीख हो। हर एक कामयाब व्यक्ति हमेशा लक्ष्य निर्धारित करके लक्ष्य को आधार पर जिंदगी में आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति मुद्दौती के साथ अपने लक्ष्य तथा कम समय में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य को निर्धारण एवं पुनः निर्धारित करते हैं। आपके पास कम करने का अपना समय कर्म होता है। वे अपने लक्ष्य को लिख सकते हैं और उन्हें हर वक्त अपने सामने रख सकते हैं, जैसे तस्वीर की शक्ल में शीशे के ऊपर अथवा फ्रिज पर चिपका देते हैं ताकि हर वक्त उनका उद्देश्य उनकी आंखें के सामने हो और उनका दिमाग में हर वक्त बना रहे। योजना प्लान बनाने से पहले सपने और लक्ष्य को दो खास चरण होते हैं जिन पर आपको आदमी को सबसे पहले मजबूत होना पड़ता है। लेकिन बिना योजना के केवल सपने देखना इस प्रकार से ख्याली पुलाव होता है। कोई भी गोल तब तक नहीं पाया जा सकता जब तक कि पक्की सुनिश्चित कार्य योजना न बना ली जाए। सफलता के लिए पक्की कार्य योजना और टाइमलाइन का होना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति नाकामयाब तभी होता है जब उसकी योजना नाकामयाब हो जाती है। आदमी तब तक नाकामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसकी योजना दुरुस्त है। विशेषज्ञों का कहना है कि आपका भविष्य बनने वाली की अपेक्षा अपनी त्रुटियां बिताने के लिए कहीं ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। कामयाबी के लिए योजनाओं का पक्का इरादा होना चाहिए। सबसे खास सूत्र है, जब तक आपको यह मालूम नहीं होगा कि आपको कहाँ जाना है या कहानी पहुँचना है तब
तक आपका सफ़र ख़त्म नहीं होगा, आप यूं ही भटकते रहोगे। इसी तरह हर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए योजनाओं का तय होना बहुत ज़रूरी है। हमारे धार्मिक गुरुओं का कहना है कि हम जो प्रार्थना करते हैं या जो ईश्वर से मांगते हैं, वह इसलिए नहीं होता कि वह चीज़ हमें एकदम से मिल जाए, बल्कि वह इसलिए होता है कि ईश्वर हमें उस चीज़ को पाने के लिए ऊर्जा दे, शक्ति दे, विचार दे, योजनाएं दे, जिससे हम उस चीज़ को हासिल करने में सक्षम हो सके। विश्वास, बिलीव, कहते हैं कि सफलता का जो सबसे कठिन हिस्सा होता है वह यह है कि आपके अपने ऊपर कितना विश्वास है कि आप अपने काम को सफल हों ही। जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा, आप सफल नहीं हो पाएंगे। बिना इसके आप ठीक से कोशिश नहीं कर सकते। डॉक्टर ड्रेविड स्वार्ट्स अपनी पुस्तक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में कहते हैं कि कामयाब तो हर आदमी होना चाहता है। इसी तरह कामयाबी के बारे में सबसे खास बात बाइबिल में भी कही गई है कि विश्वास तो पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है। अपने आप में अगर अंदर आत्मविश्वास पैदा कर लिया तो समझ लीजिए कि आप जीत गए। आत्मविश्वास से किसी भी काम करने को उस तक पहुंचने की साफ तस्वीर उभर के सामने आने लगती है। आत्मविश्वास से कामयाबी के प्रति मन में भरोसा पैदा होता है। हर कामयाब व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होने के लिए आत्मविश्वास को जरूरी चीज मानता है। एवं कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रिच डिबोस ने अपनी पुस्तक बिलीव में लिखा है कि जिन लोगों के लक्ष्य बहुत छोटे होते हैं, वे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। जिंदगी इस ढंग से नहीं चलती। मैं समझाता हूँ कि जीवन में कुछ पाने के लिए जो सबसे खास बात यह है कि अब आदमी के अंदर वह विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, यह मैं कर सकता हूँ, यह मेरे बस की है। यह बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है कि आदमी जो पाना चाहता है और क्या वह अपने लिए मुमकिन है, इन दोनों बातों में बहुत फासला होता है। लेकिन सबसे पहले उसके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि वह कर सकता है। जब तक आपके अंदर यह विश्वास पैदा नहीं होगा कि आप यह कर सकते हैं, तब तक आप उस काम को करने में के लिए आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर भरोसा पैदा कीजिए। कर्म, किसी भी चीज़ को पाने के लिए तमाम इच्छाएं, सपने, योजना, प्रार्थना तथा विश्वास तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि उसके लिए कार्यरत न हो जाए। एक्शन सफलता की 5वीं सीढ़ी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश ज़रूरी है। हर सक्षम और सफल व्यक्ति के पास इस सवाल का जवाब होता है कि क्या मैं यह सपनों को प्रति गंभीर हूँ और क्या अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करने के लिए तैयार हूँ। अपने सपनों को साकार करने के लिए मजबूत और सही कोशिश ज़रूरी होती है। आपके पास काम करने के लिए योजना होनी चाहिए और योजना ऐसी होनी चाहिए जो आपके सपनों और लक्ष्य को पूरा करने के पाने के में मददगार साबित हो। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं वह क्यों करने जा रहे हैं और क्या आपने कितने गंभीर हैं। दोस्तों, सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, जिससे भी आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सके। इसलिए पर्सनैलिटी आपकी सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। दोस्तों, मैं पर्सनैलिटी के ऊपर ऐसे ही पूरा एपिसोड लेने वाला हूँ ताकि आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो सके और आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सके। इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। एंड जल्द ही मिलते हैं दूसरे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।